राजधानी देहरादून में लगातार डेंगू के मामलों में इजाफा हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ डेंगू के बढ़ते मामलों ने जिम्मेदार स्वास्थ्य महकमे की चिंता बढ़ा दी है। बढ़ते मामलों को लेकर प्रभारी स्वास्थ्य सचिव से लेकर देहरादून के डीएम लगातार विभागीय बैठक कर रहे हैं। जिला मलेरिया अधिकारी सुभाष जोशी ने कहा कि मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि पिछले साल जो मामले डेंगू के थे उनसे इस बार मामले ज्यादा सामने आ रहे हैं। हालांकि क्षेत्र में लगातार फॉगिंग की जा रही है, जिसमें कि क्षेत्र में आम जनता को जन जागरूक करने का भी काम कर रही है। आपको बता दें कि डेंगू बरसात बंद होने के बाद ज्यादा फैलने का काम करता है। वहीं डेंगू के मामलों में 15 अक्टूबर के बाद कमी आने लगती है। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। डेंगू के अभी तक 716 मामले आ चुके हैं, जिसमें से अधिकांश रोगी सब स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं और लगातार इसमें कार्य किया जा रहा है। आशा वर्कर क्षेत्र में भ्रमण कर निरोधात्मक कार्रवाई कर रही है। नगर निगम के कार्यकर्ता अपने क्षेत्रों में लगातार निरोधात्मक कार्रवाई कर रहे हैं।